हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 5 यानी कि ब्लॉक 5 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि के लिए मूलभूत साधन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश, मृदा एंड जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 80% वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण सूर्य प्रकाश जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है उसका कितना प्रतिशत संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आधे से भी कम यानी कि ऑलमोस्ट 45% पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसके कारण हम केवल मिट्टी ही नहीं खोते बल्कि हम पोषक तत्वों को भी खो देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस किस्म की मिट्टी में अन्य 9 वर्ग की मिट्टियों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी अधिकतर कृषि भूमि वर्षा के पानी पर निर्भर है और केवल कितना प्रतिशत भाग सींचा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 28%, यानी कि लगभग 28% के आसपास हम सिंचाई करते हैं, बाकी पूरा वर्षा के ऊपर डिपेंडेड है हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समस्त विश्व के कुक्कुट पालन का प्रारंभ किस मुर्गे से हुआ माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के लाल जंगली मुर्गा जिसका साइंटिफिक नाम है गेलस गेलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसलों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है उसको खरीफ की फसल कहते हैं। ये जो फसलें हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं। इस फसल के लिए उच्च तापक्रम एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व उत्तर मानसून के दौरान उगाई जाने वाली फसलें हैं? तो इसका सही आंसर है उस प्रकार की फसलों को रबी फसलें कहते हैं। इस फसल का फसल चक्र जो होता है अक्टूबर से मार्च तक होता है, यानी कि अक्टूबर में फसलें बोई जाती है और मार्च तक निकाल ली जाती हैं। ये जो है जस्ट शीतकालीन मानसून के दौरान इसको बोया जाता है। इस फसल में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, अनाज, चना, मटर, दाल, अलसी, सरसों आदि शामिल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वे कौन सी शर्करा फसल है जो मिट्टी के अतिशय सोडियम को दूर कर देता है और ऐसी मिट्टी की संरचना को सुधारता है? तो इसका सही आंसर है चुकंदर जिसको बीट रूट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आलू का प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डंठल या तने लगाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश का प्रमुख अन्न है जो प्रायः 80% क्षेत्र में उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम संकर कपास का उत्पादन करने का श्रेय किस कृषि वैज्ञानिक को जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इंडिया के कृषि वैज्ञानिकों को जाता है, जिसमें मुख्य रूप से चंद्रकांत टी पटेल शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पिछली फसल कटने से पूर्व अगली फसल बोना फसलों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा इस प्रकार की फसल व्यवस्था को रिले फसल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अनुकूल फसलों को एक साथ लगाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा इस प्रकार की पद्धति को मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कीड़ों की एकीकृत व्यवस्था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा फसल का संरक्षण। कीड़ों की एकीकृत व्यवस्था का मतलब है कि फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए जो एक से अधिक तरीके हैं, जैसे कि व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक या फिर रासायनिक, इन सभी का ऐसे उपयोग करना कि कम से कम आर्थिक नुकसान हो और फसलों की सुरक्षा अधिक से अधिक हो, और साथ ही रसायनों का उपयोग भी तभी करना चाहिए जब सभी तरीके काम में ना आ सकें, ये इसका उद्देश्य था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस पशु को प्रकृति में प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुअर को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1984 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है 8वां स्थान। अभी इसकी करंट पोजीशन जो है 3rd है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे देश के प्रमुख शुष्क क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह जो क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दो कुबड़ वाला बैक्टीरियन ऊंट कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आसवन, यानी कि डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का अर्थ है कि जो मिश्रित द्रव है उनको उनको उनके वाष्पन सक्रियता के आधार पर अलग करना। जैसे कि मान लीजिए दूध और पानी मिक्स है, तो अगर हम लोग उसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले पानी जो है वाष्प बन के अलग हो जाता है। उसी प्रकार यदि समुद्री जल को गर्म करते हैं तो सबसे पहले पानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग आसानी से अलग कर लेते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक हेक्टेयर मीटर कितने क्यूबिक मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है 10,000 क्यूबिक मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी की क्षारीयता का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर होगा इसका मुख्य कारण सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बहुत अधिक मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लवणीय मिट्टी सॉइल सैलिनिटी का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर होगा इसका मुख्य कारण सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी भी कोशिका या कोशिकाओं या भी पौधे के किसी भाग को, जैसे कि तने, पत्ती आदि के टुकड़ों को प्रयोगशाला में उचित नियंत्रित परिस्थिति में एक पोषक माध्यम पर उगाया जाने को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा इस प्रकार के मेथड को ऊतक संवर्धन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आलू कौन से पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। देखिए इस तालिका में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के खाद्य समूह में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट तालिका, क्वेश्चन नंबर 29, किस पोषक तत्व से युक्त भोजन को ऊर्जादायक भोजन यानी कि एनर्जी फूड कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से युक्त भोजन को ऊर्जादायक भोजन यानी कि एनर्जी फूड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस पोषक तत्व से युक्त भोजन को शरीर निर्माई भोजन यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन से युक्त भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन जो है मांसपेशियों, त्वचा, रक्त और हड्डियों के लिए आवश्यक है। शरीर में जो ऊतक यानी कि टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनकी प्रोटीन से क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन होती है। इससे हमें संक्रमण से संघर्ष करने में भी सहायता मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस पोषक तत्व से युक्त भोजन को संरक्षक भोजन यानी कि प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन और खनिज लवणों से युक्त भोजन को संरक्षक भोजन कहा जाता है। ये जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, किंतु ये शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा वितरित करने में सहायक होते हैं और ये हमारे शरीर में भोजन का सही उपयोग करने में मदद भी करते हैं। साथ ही ये हमारा रोगों से संरक्षण भी करते हैं। लवण से मांसपेशियों के फैलने व सिकुड़ने के कार्य में तथा नसों के स्पंदन में सहायता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत पानी होता है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 50-70% हमारे शरीर में पानी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सोयाबीन किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार के प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इन्हें पूर्ण और बढ़िया किस्म का प्रोटीन माना जाता है? तो ऑप्शन 1 है पशुजन्य प्रोटीन, ऑप्शन बी दालों व अनाजों में पाए जाने वाले प्रोटीन में। तो इसका सही आंसर होगा पशुजन्य प्रोटीन में, यानी कि मतलब नॉनवेज अर्थात मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, स्वस्थ आँखों
चिकनी त्वचा और चमकदार बालों के लिए कौन सा आवश्यक विटामिन है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कभी कभी बच्चे या बड़े भूख ना लगने की शिकायत करते हैं, उन्हें खाने की इच्छा ही नहीं होती, यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन बी ग्रुप की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ताजे फलों और सब्जियों में विशेष रूप से नींबू, संतरा, मौसमी और अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किसकी कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती है और शारीरिक विकृति आ जाती है, जैसे बच्चों की टांग टेढ़ी हो जाना? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी को। यह जो क्वेश्चन है ये भी दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पानी में घुलनशील विटामिन है, तो इसका सही आंसर है विटामिन बी एंड सी। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।